द मोमेंट यू क्रॉस 25-26 इंडियन पेरेंट्स आ जाते हैं shaadi.com पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे. मतलब सुबह की चाय, गुड मॉर्निंग का ब्रॉडकास्ट का मैसेज और उसके बाद लड़की ढूंढना शुरू. सो जैसी मैंने इस उम्र की दहलीज पे कदम रखा, मेरे बाप ने बोला कि अपनी 5 फोटो दे दो. मैं समझ गया कि क्या रंगारंग कार्यक्रम है ये. तो मैंने बोला मैं ना रेडी नहीं हूँ अभी. एंड दे वर लाइक देखो अगर आज से ढूंढना शुरू करेंगे तब जाकर 1-2 सालों में तुम्हारे लिए कोई ना कोई मिलेगा. एंड आई वॉज लाइक क्या मैं बिल्डर का फ्लैट हूँ जिसका पोजेशन 1-2 साल बाद मिलेगा. बस पढ़ लिख गया ना, मुंह चलाना सीख लिया है. और फिर एक रिलेटिव का एग्जांपल आता है, देख रहे हो टीटू भैया 4 साल से वरमाला हाथ में लेके खड़े हुए हैं. उन्होंने भी कहा था मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, अब बन गए डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, कोई नहीं डाल रहा हाथ इनके अंदर. मैं कहा काफी सही है. कह रहे बेटा अगर एक बार ना एज क्रॉस हो जाए ना, मैंने कहा तो फिर फिंगर क्रॉस करनी पड़ती है. हम लोग एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दे रहे हैं. तो मैंने कहा करो फिर बनाओ प्रोफाइल मेरी. तो मेरी प्रोफाइल बन गई एक मैट्रिमोनियल साइट्स पे. एंड यू नो द मोमेंट यू क्रिएट योर प्रोफाइल यू आर नॉट अ नेम नाउ, यू आर एन आईडी. माय आईडी 9324. इससे अच्छा नंबर मेरा एक्टिवा का है. बट अब तुम्हारी लाइफ में यही है. तो अभी क्या है उस पर ना आप देखते हो प्रोफाइल पढ़ना, ओए होए लड़कियां क्या लिखती हैं उस पर. पहली लाइन एक लड़की लिखी थी कि आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड कम फ्रेंड. आई लाइक सुन सोफा कम बेड. हस्बैंड भी फ्रेंड्स दोनों लगेंगे अब. एक लड़की ने लिखा माय फ्रेंड्स डिस्क्राइब मी एज अ फन लविंग गर्ल. पहली बात तो ये स्लैम बुक नहीं है, और दूसरी बात अगर मैंने बता दिया ना कि मेरे फ्रेंड मुझे कैसे डिस्क्राइब करते हैं मेरी कभी शादी नहीं होगी. बता तो अभी क्या ना उस पर हमने देखा, थोड़ा देखा तो एक लड़की को ऐसे पसंद किया हमने थोड़ा सा, भाई क्लिक किया उस पर पॉपअप आ गया. कह रही पसंद आई बहू तो बहू की मुंह दिखाई कीजिए और पेड मेंबरशिप लीजिए. तो हमने कहा अच्छा ये भी करना है. तो हमने क्या किया फोन किया, मैंने कहा बताओ. तो कह रहे हमारे पास प्लान्स हैं गोल्ड डायमंड प्लेटिनम. मैं कहा समझाइए. तो कह रहे गोल्ड में क्या होता है कि आप लड़की से मैसेज में बात कर सकते हैं, डायमंड में आप लड़की से फोन पे बात कर सकते हैं. और मैंने कहा प्लेटिनम में, कह रहे हम सुबह सुबह ट्रक भर के लड़कियां ले आते हैं और पानी के छींटे मार के दिखाते हैं, कह रहे भाई साहब कौन सी पसंद है आपको. और पता है इंडियन पेरेंट्स ना दे फैंटेसाइज अबाउट टीचर बहू. उनको लगता है कि टीचर की जॉब नहीं होती. वो सुबह सुबह 7 बजे योगा करने जाती हैं और 12 बजे आ जाती हैं और शाम को बच्चों को भी पढ़ा लेती हैं. मतलब 1000 रुपये ट्यूशन बचाने के लिए आप टीचर से शादी कर लो. तो मैं कहा ठीक है. तो उस पर क्या हुआ, एक लड़की थोड़ी सी हमें लगा कि ये लड़की ठीक ठाक लग रही है, इससे बात बात करनी चाहिए. तो क्या हुआ कि उससे थोड़ा बात बात हुआ तो हमने मिलने का प्रोग्राम बना लिया उससे. ठीक है तो आप ना कुछ भी पहन लो भाई साहब कपड़े, माँ बाप का कमेंट आते ही हैं क्या ढंग के कपड़े पहन लो, ढंग से क्या पहन के घूम रहे हो. मैंने कहा वो जिन्होंने बचपन में मुझे फ्रॉक पहनाई है शुक्र मनाओ मैं फ्रॉक करके ये नहीं कर रहा ऐसे. तो ना मेट्रोमोनियल का ना साइट का एक वो है टैगलाइन विच सेज अ ग्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद अ ग्रेट फ्रेंडशिप. मैंने रट लिया ये. यू वोंट बिलीव मैं उस लड़की से मिला हूं, उस लड़की से मैं इतना घुल मिल गया कि अब दोनों की फैमिली मिलके मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं. मतलब उसके पापा ने मेरे पापा के कंधे पकड़े, कह रहे चौहान साहब जैसे ही आपका लड़का वैसे हमारा. मैंने फोन में नंबर सेव कर रखे हैं papa1 papa2 पापा जियो. कौन लोग कहते हैं कि जोड़ियां ना ऊपर से बन के आती हैं, भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं. मजाक नहीं कर रहा, मेरा भगवान से सविनय निवेदन है कि आप ऊपर से ना 2-2 के गुच्छे बना के फेंको नीचे. यहां मंदिर के बाद एक चप्पल पहनने का दूसरी नहीं मिलती या सोलमेट मिलेगा आपको यहां पे. अभी क्या हो गया फास्ट फॉरवर्ड अब 2 साल हो चुके हैं हमें लड़की देखते हुए इस पे. अभी ये हो गया कि पापा ने रजिस्टर भर रखे मोटे मोटे ऐसे प्रोफाइलों के. कभी कभी सुबह रिवाइज करते ना रिवाइज और कोई अंकल जाए चौहान साहब आप आज की तारीख के लिए काफी लेट नहीं हो गए.
मतलब कुछ पहले दिनों पहले तो हद ही हो गई। एक हम लोग ऑटो से जा रहे थे, सामने एक लड़की जा रही थी, कह रहे वो रोहिणी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? मुझे मेरे पास प्रोफाइल है इसका, इसकी आईडी है 9375। मैंने कहा बंदा अच्छा था बट बहु ढूंढने के लिए ना स्टॉकर बन गया ये। अभी क्या हुआ कि ना फिर एक दिन ना एक अंकल है, कह रहे चौहान साहब आप किसी और साइट पे जाओ, किसी और ऐप पे जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो माय फादर डाउनलोडेड टिंडर। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है।